गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम क्रिएट अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर समझेंगे कि अल्टरनेट यूनिट्स होते क्या हैं, उसको यूज कैसे करना होता है अपने टेलीप्राइम में, वो समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर का यूज हम इसलिए करते हैं, इनका इस्तेमाल इसलिए हम करते हैं क्योंकि जब हमारा जो बिजनेस है मान लें बड़े पैमाने पर हो रहा हो और हमें जो हमारा उत्पादक है जो प्रोडक्ट है उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम केजी या लीटर या ग्राम में तो शो करेंगे नहीं, तो उसका बड़ा प्रोडक्ट फिर बड़ी क्वांटिटी में उसे फिर मेजर किया जाता है। तो मेजरमेंट क्या है, उसकी जो यूनिट होगी वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। अगर लास्ट जो भी हमने पीछे की वीडियोस देखी हैं, जो हमने पढ़ा है लास्ट वीडियोज में जितने भी, उसमें हमने केजी वगैरह ये यूज़ किया है, इन सब का यूज़ हमने करा है। अब हमें ये बोल कि हमारी जो कंपनी है उसका बिजनेस बढ़ गया है, जो भी क्वांटिटी जो प्रोडक्ट है वो बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, तो उसके लिए यूनिट भी करनी पड़ेगी हमें क्रिएट की। हम एक ही बार में फिर से मुझे बार बार 100-100 kg करना पड़ रहा है एंट्री, तो उससे भी दिक्कत होती है। उससे ज़्यादा मतलब जो आपकी एंट्री है उसे मेनटेन करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसी के सॉल्यूशन के लिए हम अल्टरनेट यूनिट का यूज़ कर लेते हैं कि अगर हमारा जो जो प्रोडक्ट है अगर बड़े पैमाने में जा रहा है, बड़ी मात्रा क्वांटिटी में जा रहा है, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। इसकी हमें दो अल्टरनेट यूनिट क्रिएट करनी पड़ेगी, किसमें आप क्रिएशन पे जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर्स पे जाना है। इन्वेंट्री मास्टर पे जाने के बाद आपको यूनिट लेना है। अगर आपको याद हो तो हमने तो इसमें अभी सिर्फ नंबर्स का बन रखा है, तो हम क्रिएट कर लेंगे। आई होप आपको अल्टरनेट यूनिट समझ में आ गया होगा कि आपका यूज कब करना है, जब आपका बिजनेस बढ़ जाता है, प्रोडक्ट जो आपके आइटम्स क्वांटिटी उनकी जो क्वांटिटी वो लार्ज अमाउंट में जानी है, तो हम अल्टरनेट यूनिट का यूज करते हैं। देख लेते हैं उसे क्रिएट कैसे करना है। क्रिएट पे आएंगे, फिर ये अकाउंटिंग मास्टर पे नहीं जाना है, हमें इन्वेंट्री मास्टर पे जाना है, यूनिट पे जाएंगे। तो पहले मैं केजी का क्रिएट करती हूँ। आपको पहले सिंबल देना है कि उस यूनिट का क्या सिंबल रहेगा। तो मैंने केजी दे दिया, फिर फॉर्मल नेम आ गया इसका जैसे किलोग्राम है, इसे एक्सेप्ट करा लूंगी। फिर ऐसे क्विंटल है, जैसे 100 kg का एक क्विंटल होता है, तो क्विंटल दिखा यहाँ पे, क्यू दे दिया उसका सिंबल। यहाँ 2 decimal हो जाएगी कि 100, 2 decimal के बाद क्विंटल देखा जाता है। फिर एक्सेप्ट कराने के बाद आपको स्टॉक आइटम पे जाना है। स्टॉक आइटम पे आपको क्रिएट करनी पड़ेगी आइटम्स को। आइटम्स को क्रिएट करने से पहले आप जैसे आइटम पे स्टॉक आइटम पे एंटर करेंगे तो आपको फिर F12 करना है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो यूनिट्स अल्टर यूनिट्स का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, नॉर्मल यूनिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम F12 करेंगे। F12 करते ही हमारे सामने कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएगी स्क्रीन पे, तो हमें यस किसे करना है, जिसे कभी कभार नो हो रखा होता है तो हमें इसे यस करना होता है। जो ये हमारा यूज अल्टरनेट यूनिट्स है उसे यस करेंगे। यस करने के बाद उसे एक्सेप्ट कराना है। एक्सेप्ट कराने के बाद अब जैसे मैंने वीट लिखा है गेहूँ, अब उसको अंडर किस में रख रहे हैं, तो अंडर हम किस में रखेंगे, ग्रॉसरी में आएगा, तो LC करके हम ग्रॉसरी का एक लेजर बना लेते हैं। सॉरी स्क्रीन साइड हो गई थी अभी, तो ग्रॉसरी का लेजर बनाना है, इसे एक्सेप्ट करा लूंगी। तो वीट मेरा ग्रॉसरी के अंडर आ गया है। अब यहाँ पे मैं क्या लूंगी, केजी लेना है, यूनिट्स पे आपको नॉर्मल केजी लेना है। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने अल्टरनेट यूनिट आ गया होगा। अब अल्टरनेट यूनिट्स में कैसे रखेंगे, जो आपने बनाया है, जैसे मैंने क्विंटल को बनाया तो मैं अल्टरनेट यूनिट में क्विंटल को रखूंगी। फिर यहाँ पे एक क्विंटल कितने का होगा, 100 kg का होगा। फिर आपको इसे एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट कराने के लिए बाद मैं एक प्रोडक्ट और बना लेती हूँ, जैसे बासमती राइस हो गया। ये भी किसके अंडर आएगा, ग्रॉसरी के अंडर आएगा, लेकिन ये राइस है तो राइस के अंडर में आप दे सकते हैं इसे, या ग्रॉसरी में भी दे सकते हैं। अब इसे भी केजी में रखना है, फिर इसका अल्टरनेट यूनिट आपको क्विंटल रखना है,
फिर वन एक कुंटल 100 kg के बराबर है, 100 kg के बराबर रहेगा, इसे एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको स्किप करना है, स्किप करने के बाद आपको इसकी एंट्री पास करनी है। अब एंट्री पे कहाँ पास होगी, वाउचर पे आना है आपको। आपको परचेज अब या सेल ले सकते हैं, पहले हम परचेज कर लेते हैं फिर सेल देखते हैं। यहाँ पे मैं सप्लायर ले लेती हूँ, या आप क्रिएट भी कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ शॉप वन के नाम से, शॉप वन दे देती हूँ, उसे सेंड्री क्रिएटर में रखूंगी। फिर से इसे एक्सेप्ट करा लूंगी, एक्सेप्ट कराने के बाद उसकी डिटेल एक्सेप्ट करानी है हमें। फिर कोइन सा आइटम था, वीट था और एक बासमती था, तो हम वो परचेज करेंगे। जैसे 250 kg में ये बिका है, उसका रेट दे देना है। फिर राइस लेना है, फिर उसकी क्वांटिटी डालने देनी है। इसका रेट डालना है, कैरेज एनोट देना तो आप दे सकते हैं। एंट्री एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको देखना है आप कहाँ पर है, एल्ट पेज अप करना है। अब आपको प्रिंटर, जैसे आप इसका बिल निकालेंगे तो आपको ऑल्ट पी करना है। ऑल्ट पी करने के बाद आपको प्रिंट करना है। आई प्रेस करेंगे तो प्रीव्यू आप देख सकते हैं। प्रिंट पे जाके, अपने बिल पे जाके एल्ट जेड करती हूँ मैं, जूम हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अल्टरनेट क्वांटिटी और क्वांटिटी, मतलब अल्टरनेट यूनिट्स का भी यूज कर रखा है, और इसमें जो हम नॉर्मल क्वांटिटी यूज करते हैं यूनिट, वो उस पर भी शो हो रहा है आपका। तो 250 कुंटल है, 320 कुंटल है यहाँ पर, और ये अगर केजीज पे देखो तो 250 केजीज है और 320 केजीज में दिख रहा है, नॉर्मल जो केजीज में दिख रहा है, और यहाँ पे 250 और 320 कुंटल में दिख रहा है। आई होप आपको ये कुंटल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अल्टरनेट यूनिट क्रिएट कैसे करना है। आप सेल में भी यूज कर सकते हैं इसका। जैसे F8 कर लिया, F8 से आपको कस्टमर लेना है, कस्टमर के उसकी डिटेल है आपको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करानी है। फिर आप मान लें आपने बासमती लिया है तो 100 या 110 कुंटल आप केजी से आपने इसे सेल किया है। बासमती राइस की बात कर रहे हैं, कैरिज आउटवर्ड लग जाएगा इसका, तो इसमें कैरिज आउटवर्ड का लेजर बनाना पड़ेगा। LC कर लेंगे हम, और ये आपका किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद इस पर कितना लगाएंगे आप लगा सकते हैं, फिर ये एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको पेज अप करना है। पेज अप पे आप कहाँ पे शो करेगा आपके, आपको ऑल्ट पी करना है। ऑल्ट पी करने के बाद आपको प्रीव्यू करेगा ये, फिर एल्ट के साथ जेड करना है, फिर ये आपको आपको क्विंटल जो आपका जैसे ये क्वांटिटी दिख रही है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्विंटल इसके नीचे कर रहा है शो। तो हमें करना क्या है, F12 करेंगे। F12 पे आपको शो अल्टरनेट यूनिट्स करनी है। तो यहाँ दिख रहा होगा अल्टरनेट सेपरेट कॉलम में हम यूज कर लेते हैं इसे, यस करेंगे।
इस पर हमें क्लिक करना है सेपरेट इस पर, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब प्रीव्यू करते हैं। अब एल्ट के साथ जेड करूंगी तो आपको ये अल्टरनेट जो अल्टरनेट यूनिट था उसका कॉलम अलग दिखेगा और नॉर्मल यूनिट का कॉलम अलग दिखेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्रिएट अल्टरनेट यूनिट्स, इसे क्रिएट कैसे करना है, इसे शो कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही। क्या आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि अल्टरनेट यूनिट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, उनकी एंट्री कैसे करनी है, और प्रिंट पे अगर देखना हो अपने प्रिंट बिल पे तो उसे कैसे देख रहा है। आज की वीडियो के लिए यही था कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।